नमस्कार, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और टॉपिक क्या है कि कोई समांतर श्रेणी दिया हो, उसमें कुछ खाली जगह छोड़ दिए जाते हैं। अब उन खाली जगह को कैसे भरते हैं, तो आइए आपको हम सिखाते हैं कि उन खाली जगह को कैसे भरा जाता है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो ज़रूर आपके लिए समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको पल पल मिलता रहे। इस चैनल पर सिर्फ मैथ के ही वीडियो मिलते हैं। मैथ को कंप्लीट सीखना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। एक सवाल देखिए, जैसे दो है, एक बक्स है और एक 26 है, इसमें से खाली स्थान को भरना है। तो ऐसे नहीं कि भर देंगे, इसको समांतर श्रेणी का प्रयोग करेंगे, यानी ए बराबर दो भरेंगे, ए बराबर दो हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर यहाँ पे बक्स हो जाएगा और ए प्लस टू डी बराबर 26 हो जाएगा। आपको मैंने समांतर श्रेणी सिखाया था, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको मैंने बताया था, ए होता है ए प्लस डी होता है ए प्लस टू डी सो वन। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, आप इसको पहले पढ़िए तब समझिए। इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके ए है तो इसको ए बराबर, ए बॉक्स है तो ए प्लस डी कहाँ से आ गया, ये व्यापक रूप से, और ए प्लस टू डी ये 26 हो गया। पहले मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ, उसको पहले देखिए आप। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक का मान समीकरण तीन में रखने पर, एक का मान ले आकर तीन में भरेंगे तो तीन है ए प्लस टू डी बराबर 26, और एक जगह कितना भरिएगा दो, टू डी बराबर 26, यानी कि टू डी बराबर हो जाएगा 26 माइनस दो, टू डी बराबर हो जाएगा 24, यानी कटा दीजिएगा 12 हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 12। इसलिए आपको निकालना है ए प्लस इस बॉक्स का मान, तो ए प्लस डी बराबर बॉक्स हो जाएगा, ए के जगह पर कितना भरेंगे दो, और डी के जगह पर कितना भरेंगे 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 बराबर बॉक्स हो जाएगा, यानी 12 दो 14, यानी कि यह बॉक्स पर कितना हो जाएगा 14, इसमें कितना भर देंगे 14। इस तरीका से इस एपी के व्यापक रूप का प्रयोग करके आप आराम से चुटकियों में किसी भी एपी में जो खाली जगह छोड़ा गया है उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। शुक्रिया आपको इस वीडियो को अंत